कनाडा में जी मैंने जो विचार बनाया था वो ये कि घर अगर खरीदना है तो मैं खरीदूंगा प्लॉट, जो कि यहाँ पे लोग नहीं करते क्योंकि उसके अंदर हैसल बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसको बनाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा अपना स्टूडियो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह अलग बनाना है। बट ये दोनों उसके अगेंस्ट सलाह दे रहे हैं, क्यों भाई? हम अगेंस्ट नहीं है आपके किसी सलाह सुलू के, हम बस ये करें जब तक आपका सब प्रोजेक्ट शुरू होगा, बनेगा, कुछ होगा, 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे उसमें। हाँ ये तो है, तब तक आप रेंट देते रहोगे कहीं और। हाँ, क्योंकि बजाय ये कि मैं खरीद लो और उस पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि मेरा इनके घर से काम चलेगा नहीं। अभी मेरे को अपनी जगह चाहिए जहाँ पे स्टाफ भी आए और थोड़ा सा वहाँ पे मैं थोड़ा शोर मचा सकूँ, अपने तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकूँ, और इनको वर्क फ्रॉम होम में ये दिक्कत आएगी। तो विचार अब ये बन रहा है कि घर खरीद लिया जाए। अब यहाँ पे कई सारी तरह के घर हैं जो खरीद के मैं आगे लीज आउट कर दूंगा और 1 साल के अंदर अपना दूसरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू कर लूंगा, ताकि मैं अपने हिसाब से स्टूडियो और ऑफिस सेटअप यहाँ पे कनाडा में एक बना सकूँ। बट अब देखते हैं उसका क्या विचार बनता है या नहीं बनता। फिलहाल मगर जो हम घर देखने के लिए जा रहे हैं, और चलो यार चलो मम्मी के पेशे साफ देगी क्योंकि मम्मी की फेवरेट एक्टिविटी ही मकान देखना है। तो इसलिए जरा आज सैंपल हम देखते हैं, आपको भी बताते हैं रेट किस तरीके से होते हैं। इनके घर की टूर की वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, अब जरा फ्रेश स्टार्ट ऑफ न्यू होम्स। चलो 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 कल रात से जी स्नोफॉल हो रही है, इसका मतलब ये कि टेम्परेचर उतना कम नहीं है। पीछे तो -20 तक चला गया था, बट आज -6 है, और -6 ऑनेस्टली सही में अच्छा लगने लग जाता है जब आपने -15 -20 देख लिया हो। तो इसीलिए बाहर जाने के लिए इट्स अ गुड डे, इवन तो स्नोफॉल हो रही है। मगर जूते जो है ना, किसी ने भी विंटर शूज़ नहीं पहने हैं, क्योंकि जब आप सैम्पल होम देखने जाते हैं तो बहुत बार जूते उतारने पहनने पड़ते हैं। चले जी, हाई माता जी तैयार हो फिर हैं? छोटे पुत्र का घर देखने जी हैं? अरे मम्मी फॉर मम्मी फुल एक्साइटेड। चलो 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 जी, सारे के सारे सेल जूम है। माता जी यहाँ मिलेगा आपको घर है? बहुत सारे हैं। अब देख लेते हैं इनमें जाके कौन सा मॉडल पसंद आता है। मगर सवाल सारा ये है कि ये हो भी तो अवेलेबल कब होंगे, कब मिलेंगे? पता लगे मिली 1.5 साल बाद रहे हो, साल बाद मिलते हैं, फिर मैं फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। मगर कहीं ना इनके पास इन्वेंटरी होम पड़े होते हैं, वो पता कर लेते हैं कि कोई रेडी टू सेल है, क्योंकि कई बार ना ये वाले भी बेच देते हैं जो मॉडल होम है ना, ये भी बिकाऊ होते हैं जब इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए वो चेक करके आते हैं। अब ये जी अलग अलग मॉडल हैं और बाहर स्क्वायर फीट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे ना सुपर और कारपेट एरिया नहीं होता, ये पूरा ग्रॉस लैंड होता है जिसके बारे में बताया जाता है। और अभी जाके देख के आता हूँ कि किसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। बट अभी अभी सनी ने अंदर से खबर ये बताई है कि इनमें से 2 मार्च में अवेलेबल हैं। कौन से वाले वो जाके देखते हैं। यही वाला ही है जो देखना है जी, बड़ा। ये इनका सबसे बड़ा मॉडल है। ओ या? हाँ।
मम्मी हाँ जी क्या रिपोर्ट है? बहुत अच्छा ले ले, बहुत अच्छा ले ले, 5 करोड़ दे रहे हो? 5 करोड़ गए, किस्तों में देना, किस्तों में देना। ये तो माता जी पहला आपका बेडरूम आ गया है, और देखो अभी अभी घर फाइनल हुआ नहीं, ठीक है। वो देखो खिड़की आपके लिए बड़ी है, प्लस यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि इनका ना अपना डेडिकेटेड बाथरूम है। जैसे सनी के घर में 3 ऊपर वाले रूम्स के लिए एक बाथरूम है ना, तो इसमें एक ये है, और जो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जो 2 रूम है उनमें क्या कहते हैं जॉइंट बाथरूम है। तो मेरे हिसाब से, अरे मम्मी का बाल आ रहा है कैमरे के ऊपर, हटा दो जरा, चलो हट गया, हाँ आ जाओ। और इसमें ना देख 2 अलमारी है। अच्छा, बस मम्मी का हो गया, हो गया 2 अलमारी का, हाँ वॉशरूम अलग से अटैच, वॉशरूम के अंदर भी कबर्ड है ये देख। ओह क्योंकि एक तो जिन्ना नहीं होगा ना, स्टोरेज दे दो बस, स्टोरेज ठीक है। पता नहीं कितना सामान मम्मी ने रखना है, मगर यहाँ आपका टीवी कहाँ लगेगा? तो सामने दरवाजा है, मम्मी कहती मैं कोटे पे लगा लूंगी, मम्मी कहती मैं ऐसे टेढ़ा करके लगा लूंगी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगा देंगे, लगा देंगे। खाब देखो, चलो अरे यार मुंगेरी लाल, ओ लिनन क्लोजेट बहुत बड़ी है, वेरी गुड वेरी। ये मम्मी आपके पोते पोतियों का कमरा, हाँ ताकि मम्मी आके बच्चों पर नजर रख सके, संभालेगी बच्चे, यही संभालने पहले उससे पहले और बड़े स्टेप्स पेंडिंग है, वो तो हो जाए। बाकी ये बाथरूम है और ये जॉइंट है बाकी रूम्स के साथ, तभी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये दूसरा रूम है माता जी, यहाँ पे भी देखो आपकी, हाँ इधर भी आपकी खिड़की है, यहाँ भी आपको डबल अलमारी है, डबल नहीं है। अच्छा सिंगल, अच्छा अच्छा, वो मतलब डबल डोर है, नहीं टीवी की नहीं, ये छोटे सी यहाँ पे वो ड्रॉर डालने की, मम्मी को दराज रखने होते हैं ना बहुत सारे। ओ हाँ टीवी बेड के सामने आ जाएगा, चलो अब पुत्र का कमरा था देख लो जोड़ा। ओ हाँ, और यार ये तो इसके ऊपर आगे खुली जगह भी है, हाँ तो क्या हो गया, नजारा सेम नहीं होगा, मगर जो मैंने देखा वो कॉर्नर प्लॉट है, फिर कॉर्नर जो इनका अवेलेबल है यही वाला मॉडल, वो कॉर्नर प्लॉट है, एक्स्ट्रा जगह होती है, मगर क्या कहते हैं फिर उसका शोर भी होता होगा ना ट्रैफिक का, नहीं ये अंदर की गली है, यहाँ पे इतना शोर नहीं होता। अच्छा चलो चलो आओ जी फिर मास्टर बेडरूम की तरफ। ओ ये कमरा तो खूब बड़ा सनी, ये तो तुम्हारे वाले से बड़ा ही लग रहा, ज्यादा बड़ा है, चौड़ाई ज्यादा लग रही है, नहीं ओवरऑल बड़ा है मास्टर बेडरूम। ये आ गया जी बाथरूम, बाथरूम भी काफी बड़ा है, मगर ये उतना सुंदर नहीं है जितना इनका वाला सुंदर है। ये जी इसकी बेसमेंट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने एरिया बैठने के लिए सेटिंग बनाया हुआ है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड जो है वो साथ में इंक्लूडेड आती है, बट इधर चाहें तो थोड़ी सी और एडिशन हो सकती है, वरना यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ अपना स्टूडियो इस जगह पे बना लूँ। हाँ ओ मेरा पूरा स्टूडियो यहाँ बन सकता है, सेटिंग वहाँ पे, रिक्रिएशनल एरिया, पूरा स्टूडियो साउंड प्रूफिंग के साथ सारा यहाँ पे हो जाएगा, लाइटिंग पूरी ऊपर लगवा के, क्या कहते हो? बिल्कुल चलो जी। भाभी जी जा रही हैं दूसरे वाले मॉडल की चाबी लेके आ रही हैं, कंबरलैंड मॉडल है शायद, आगे होगा अगला है ना, ये वही मॉडल है जो मामा ने लिया? यस एग्जैक्टली। इसका वो क्या कह रहे हैं कि हम कोई कस्टमाइजेशन करवा पाएंगे या नहीं? अब कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं, तो जो जैसा उन्होंने बना दिया है, जो कलर चूज कर दिया है वही लेने पड़ेंगे। एग्जैक्टली भाई, नहीं तो फिर वेट करो पूरा अपना बनने की, वो फिर दो साल, नहीं दो साल 22 तक की वेट करो। मगर यार $1 मिलियन का पड़ रहा है ये, $1 मिलियन का मतलब मेरे को डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी? 3 लाख, 1.5 खोखा डाउन पेमेंट जाएगी। बाकी ऐसे घर बने बनाए लेने में बिल्डर का काफी मार्जिन होता है, और अगर नॉन कैनेडियन रेजिडेंट होते हुए मुझे ये लेने का सोचना भी है तो डाउन पेमेंट कम से कम 30% करनी पड़ सकती है, और फ्रैंकली इंडिविजुअली मेरे बस का इतना पैसा देना तो नहीं है। अगर सिर्फ 5% हो जाए तो बात बन सकती है, बट उसका भी एक तरीका तो है। अब जी बात सारी ये आ गई है कि अवेलेबिलिटी किस हिसाब से होती है यहाँ पे। अब सिर्फ ये वाला मॉडल जो है ये मई में अवेलेबल है, और जो मैंने पहले बड़ा वाला देखा जो $1 मिलियन वाला है वो अवेलेबल है कब का? मार्च में। तो इसीलिए अब देखना ये है कि क्या हिसाब किताब बनता है। पहली बात तो ये कि मुझे पता करना पड़ेगा कि अगर मैं लोन अप्लाई करता हूँ बीइंग ए नॉन रेजिडेंट, क्योंकि अभी तो स्टेटस नहीं है, तो कितना डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर वो 30% के करीब होती है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मगर अगर रेजिडेंट बेनिफिट मिल जाता है तो सिर्फ 5-10% डाउन पेमेंट में भी मुझे घर मिल सकता है, तब हो जाएगा ऑप्शन एक्सप्लोरेबल। और ये मैं इसलिए भी कंसिडर कर रहा हूँ इतना महंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इनका जो रेंट है ना, तेरे को पता है तेरा घर है उसका रेंट पे अगर तू चढ़ाए कितना मिलेगा एक महीने का? $3,500। तो तेरी इंस्टॉलमेंट $2,000 के आसपास जो बनती है, प्लस हाउस टैक्स निकाल के भी तकरीबन बंदा $500 महीना सेव कर सकता है। मैं फिर सस्ते घर में शिफ्ट हो जाऊं? नहीं नहीं, आप यहीं रहो। वो सबसे घर से रिलेटेड भी एक और न्यूज है इनकी, वो हम आगे देंगे आपको घर और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और ये मैं इसलिए भी सोच रहा हूँ, एक्सपीरियंस इसलिए हो गया क्योंकि भाई ये सारे काम कर चुका है और हमें अब थोड़ी सी समझ आ गई है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपने घर खरीदना हो तो सिर्फ और सिर्फ 2% है। 2.5% था पिछले साल तक, 2.25, अब 2% हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया में अगर आपने पैसे लिए हुए हैं, FD कराई हुई है 5% पे, तो यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलमेंट दे दे 2% पे, तो कई सारी ऐसी कैलकुलेशन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियोज में आपके साथ। और वैसे भी मुझे अगर ये घर लेना हुआ तो इंडिया में सब कुछ बेच के ही लेने की सोच सकता हूँ, इसीलिए हर तरह के बिल्डर के पास जा रहा हूँ, हर तरह की ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि शायद अगर खुद अपना प्लॉट लेके बना सकूँ तो क्या पता 4 पैसे बचें। तो जी होके तो आ गए हैं, देख आए हैं मॉडल होम, मगर प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पे जितने भी बिल्डर हैं ना, हमने कम से कम 8 बिल्डर पे पता किया है, किसी के पास भी इन्वेंट्री होम पहली बार तो अवेलेबल नहीं है, तो कंपटीशन के लिए हम और ऑप्शंस नहीं देख पा रहे। जो भी मिल रहे हैं वो हैं फ्रेश लॉन्च हुई हैं और वो मिलेंगे 2022 के मार्च अप्रैल में। एक जो हमने यूनिट देखी है ये 2 बस यही अवेलेबल है, जिनमें से पहली वाली जो है वो कब बता रहे हैं? मार्च में। तो हम वो यूनिट देखने गए, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते, और जो उन्होंने बनाई है वो जब अंदर गए देखने के लिए अंधेरा हो गया था, तो हम पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, स्टाफ भी साथ में था, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी गियर पहन के अंदर जाना होता है किसी लाइव कंस्ट्रक्शन साइट में जाएं। तो वहाँ पे जाके जब हमने देखा तो उन्होंने जो रसोई के पल्ले और कलर स्कीम उनकी, एक तो वो फ्लिप्ड वर्जन था, बिल्कुल ही अजीब, मतलब एक तरीके से गंदे ही लग रहा है। नहीं, जितना अच्छा मॉडल था उतना ही गंदा साला इसका ये वो था। हाँ, तो इसलिए मजा आया नहीं। फिर थोड़ा सा हम इसलिए भी घबरा गए क्योंकि बजट भी थोड़ी जो है ज्यादा हो गई है, कनेडियन डॉलर का रेट भी जो है ना रुपयों के मुकाबले बढ़ गया, और अपनी कमाई तो भी रुपयों में ही है, तो इसीलिए थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा क्या करेंगे, बट अभी देखते हैं। मगर माता जी मैंने ना एक जमीन की ऑप्शन और शॉर्टलिस्ट करी है, क्योंकि अगर हमको इतना टाइम, इस फायदा तभी है कि अगर बनी बनाई चीज मिल जाए, बट अगर बना बनाया घर नहीं मिलता
तो फिर ज़मीन दे के खुद ही बना लें, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर बंदा खुद बनाए तो 1 मिलियन में तो मैं उसके 3 गुना बड़ा बना सकता हूँ, जिसमें अलग से मेरी ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए भी कोशिश ये है कि कल परसों एक ज़मीन है वो देखने जाऊँ, थोड़ा सा एनालिसिस करूँ, उसके लिए एक्सपर्ट लगेंगे ये देखने के लिए कि सॉइल उसका ठीक है कि नहीं है, कंसल्टेंट देखने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल जोनिंग में कमर्शियल कर सकता हूँ कि नहीं, एग्रीकल्चर में, ये सारी रिसर्च कल से शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट बड़ा है बट देखते हैं क्या बनता है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अभी है भगवान साथ देगा, लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।